السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم हमारे मखरज नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था और आज हम इंशाल्लाह मखरज नंबर 5 शुरू करेंगे और मखरज नंबर 6 भी इसके साथ पढ़ेंगे। मखरज नंबर 5 का नाम है लिहाज और इसको इंग्लिश में जुवाला कहते हैं। ये जुवाला और ये लिहाज क्या होता है? इंसान के मुंह के अंदर एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा होता है, उसको कहते हैं लिहाज। उर्दू में इसको कौवा कहते हैं और इंग्लिश में जुवाला कहते हैं। तो लिहाज के करीब ज़बान का आखिरी हिस्सा जो ऊपर के नरम तालों से लगे तो इससे कौफ अदा होता है। कौफ जो है वो हमेशा हम इसको हैवी पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, जुवाला का फ़ोटो लगाया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे गोश्त का लोथड़ा है और ज़बान की जो जड़ है ये ऊपर इस जुवाले को लगेगी जब इससे ऑफ अदा होगा और ये हमेशा हैवी पड़ जाता है। ये तो कौफ का मखरज है, मखरज नंबर 5। और मखरज नंबर 6 काफ का है। कौफ के मखरज से थोड़ा सा मुंह की तरफ हट कर वहाँ से काफ अदा होता है, जहाँ से हम कौफ अदा कर रहे थे। थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे वहाँ पे काफ अदा होगा। थोड़ी सी जगह चेंज करेंगे, चेक करेगा आप इसमें कैफ और काफ जो होता है वो कौफ से लाइट पड़ा जाता है और इसको इंग्लिश में डीप थंस क्लोज ऑफ द माउथ टच सॉफ्ट लैट। आज के दो मखरज काफ़ी हैं, आप कोशिश करें अगर समझ ना आए तो कमेंट भी कर दें कि इसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपको इसकी वजाहत भी करेंगे। ठीक है, जैसे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारी कोशिश है कि कम मिनट के अंदर आसान जो तजवीद है इसको सिखा सकें बिल्कुल आसान तरीके से। अगर कोई मसला इशू होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर भी मैसेज कर सकते हैं और यहाँ कमेंट भी मुझसे कह सकते हैं कि अरे सब ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात, आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करा करें, इस पर अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी करा करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करा करें ताकि हमारे इससे हौसला अफजाई भी होते रहे। जज़ाकअल्लाह खैर, इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।